Hi guys. आज हम लोग रिएक्शन करने वाले बहुत ही सुंदर बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वीडियो पर राउंड टू हेल। ये वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं और आपका ये पूरा का पूरा टाइम हंसने और हंसने में ही सिर्फ गुजरने वाला है। आप इस वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और इस रिएक्शन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाली है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग इतना ज़्यादा मज़ा आना है कि एक मिनट के लिए भी आप चैनल से हटने का कोशिश भी नहीं करिएगा और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट इसमें रहेगा। आप एक बार देखिए और बहुत मज़ा आने वाला है आप इसको इस वीडियो में। आइए चलिए इसको रिएक्शन का मजा लेते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से बनाया है और प्लीज़ इसको पूरा देखिए, इस बिना स्किप किए देखिए और अपना प्यार सारा प्यार हम पे प्रसार दीजिए, ठीक है। आप लाइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। अभिनंदन, आभार, आभार। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट। साले चप्पल बो मारूंगा। चलिए खेलते हैं आज का पहला फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद के कार्यों को उनके सही क्रम में लगाइए। आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए ब्लॉक करना, बी डीपी हटाना, सी जिम ज्वाइन करना, डी फीलिंग सैड विद 39 अदर्स। और इन लोगों ने सही क्रम में जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब दिया है वसीम। यस यस यस। भाई साहब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, रंडुआ हूँ रंडुआ। कौन बनेगा करोड़पति में आपका बेहद बेहद स्वागत नाजिम जी। बहुत बहुत स्वागत है नाजिम जी आपका केबीसी में। देवी और सेटिंगों में आपको बता दूं नाजिम बहुत ही गरीब परिवार से हैं, इनकी कोई सेटिंग नहीं है, रंडुए हैं। तो केबीसी में आपके साथ कौन आया नाजिम जी? मेरे बड़े रंडुए, मेरा मतलब मेरे बड़े भाई और उनके साथ जो बैठे हैं मेरे मित्र हैं बचपन के। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब आप क्या करते हैं? अरे कुछ करता तो यहीं बैठता, निराई ठाली हूँ। चलिए भाई साहब के बहुत नेक विचार हैं नाजिम जी, चलिए शुरू करते हैं हम। तुम कौन बनेगा करोड़पति? तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अबे पहला क्वेश्चन तो इजी आवे, यूं बता दूंगा यूं। न्यूटन के सर पर जो सेब गिरा था वो उस समय कितने रुपए किलो बिक रहा था? नाजिम जी आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ए 400 रुपए किलो, बी 4000 रुपए किलो, सी हराम, डी जिंदा हराम। सर मैं जिंदा हराम और 4000 में कंफ्यूज हूँ। सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा। मैं कब खेलूंगा, मेरा नंबर कब आगा? कैसा जोड़ी डाल लेकर आया तू मुझे बुला के? शांत हो जाइए टिकटिकी जी, नाजिम जी की पहली क्वेश्चन में गांड फट गई है। कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल अंकित की जाए। ऑडियंस आपकी बारी शुरू है, आपके हाथ में वोटिंग मीटर, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं नाजिम जी आपको कितने प्रतिशत वोट किस पे मिले हैं। ऑप्शन ए 0, बी 0, सी 0, डी 0। नाजिम जी छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं, इनकी पोल खोलूंगा मैं, क्या क्या देखते हैं ये। तो आप क्या लोग करना चाहेंगे? मुझे लगता है डी जिंदा हराम। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी जिंदा हराम को लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल सही जवाब। मैं ऑडियंस का शुक्रिया, हमारी बहन का इनका शुक्रिया नहीं करूंगा। वेल प्लेड नाजिम जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपको जिता सकता है पूरे 151 रुपए।
जो कि आप भात में भी दे सकते हैं, शादी भी या कहीं पे भी। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा कीजिए, अब की बार डैश सरकार। ना हम क्यों करें पूरा मुहावरा, उन्होंने अपने वादे पूरे करे, जो हम मुहावरा पूरा करेंगे। तो नाजिम जी, आपके लिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा कीजिए, बंदर क्या जाने डैश का स्वाद। और आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ए डोमिनोज का स्वाद, बी पिज्जा हट का स्वाद, सी अदरक का स्वाद, डी बंदरिया का स्वाद। डोमिनोज तो सर हो नहीं सकता, क्योंकि बंदर मेरे हाथ में से खुद छीन कर लेके गया था एक बार पिज्जा, तो उसका तो उसे पता होगा। सी और डी में कंफ्यूज हूँ सर। मैं 50-50 खेलना चाहूंगा। क्या खेलना चाहेंगे आप? 50-50 खेलूंगा सर मैं। चलिए नाजिम जी, शुरू करते हैं आपकी 50-50 लाइफ लाइन। इस लाइफ लाइन को नाजिम जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, चारों तरफ ध्यान रखना। और अब पूरा ओवर मैं डालूंगा 50-50। अरे सर मैंने 50-50 लाइफ लाइन के लिए बोला। आपने कहा था 50-50 खेलूंगा। तो रन हुए, ये रही पहले ओवर की पहली गेंद आपकी पिच पर। कद्दू की ड्राई बॉल आई हो बे, सीढ़ी के इतना मारूंगा। अमिताभ जी, हर बॉल बाउंस मारी है आपने। आपका लंबा है मेरे मतलब, आप लंबे होते इसका मतलब थोड़ी हर बॉल बाउंस मारोगे। मुंह पैसे निकली है, कानों पैसे। कोई बात नहीं नाजिम जी, आप सही उत्तर दीजिए। अगली बार 2020 खेलूंगा। अगली बार 2020 सही उत्तर नाजिम जी क्या है? सर सी लॉक कर दीजिए आप, अदरक का स्वाद। नाजिम जी सी ही क्यों, बंदरिया का स्वाद भी तो नहीं जानता होगा बंदर। अरे कैसी बात कर रहे हो सर आप, अरे कुछ स्वाद ले रहा बंदर। जब आप 48 में ओवर की चौथी गेंद फेंक रहे थे ना, तो बंदर कुछ ले रहा था स्वाद। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी अदरक का स्वाद को लॉक कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अश्लील तरीके से इन्होंने 50-50 का यूज किया है। नाजिम जी कॉन्ग्रेचुलेशन, नाजिम जी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम जनता को आपकी छोटी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं, आइए देखिए। आज केबीसी की टीम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रही है जो कि निहायत ही अश्लील इंसान है। इन्होंने अश्लीलताओं की सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोणापुर के रहने वाले नाजिम अहमद। हम इन्हें सरप्राइज देंगे, इनको अभी पता नहीं है इनका सिलेक्शन केबीसी में हो गया है। अबे नाजिम तेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया, अबे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तेरा, जल्दी से तैयार हो जा। आप नाजिम है? अरे सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। सर आपका नाम नाजिम है? सर मैं बहुत गरीब हूँ, कदम दुकानदारों का भी हॉट सीट पर बैठ जाऊँ वहाँ पे। आपका नाम नाजिम है? जी सर मेरा। आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ, आपको ऑडिशन के लिए जाना पड़ेगा, आपकी बायोग्राफी बनेगी। ठीक है? ठीक है सर, चलो। अरे गरीब हूँ सर। अरे तू भी रोरिया है, ये सब फर्जी वाला है, ये स्क्रिप्ट ही मैंने लिखी है। और ये जो रोरिया ना, ये गरीब बनिया, ये 6 बीघे तो इसके पास वैसी पड़ी है, और बंटवारा होने के बाद 13 बीघे वैसे मिल रही है। नाजिम जी बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जैसा आपने देखा, बहुत ही निहायत ही टुच्चे परिवार से, असली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नाजिम जी आप को देखकर मुझे एक शेर याद आया है, मैं सुनाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे तेरी ही गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे भाई 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 भाई। तो नाजिम जी आपको अगला क्वेश्चन 851 रुपए प्लस एक जोड़ी कपड़ों के साथ रेडीमेड। रेंडवे 1 मीटर कपड़ा बिना सिला सिलवा लिए, जो जी जिसमें से पैसे जीते। तो नाजिम जी अभी आपको एक वॉइस क्लिप सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि वो किस महान अभिनेत्री की आवाज है। तो कंप्यूटर जी वॉइस क्लिप शुरू की जाए। आ,
अरे कंप्यूटर ये क्या सुन रहे हो तुम, बंद करो इसे। अमिताभ जी यही वाली डाल दो मेरी पेन ड्राइव में। 15 की दो पड़ेंगी। अरे डाल दो। मियां खलीफा की 7.5 रुपए पड़ी। इसमें से जो जीती है। अमिताभ जी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मुझे आंसर पता है, मियां खलीफा लॉक कर दो। नहीं नाजिम जी, क्वेश्चन बदला जाएगा ये। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन बदला जाए। 15 रुपए हो गए। तो नाजिम जी अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अपकमिंग सलमान खान की मूवी डैश जिंदा है में क्या जिंदा है? ए कुतिया जिंदा है, बी काला हिरण जिंदा है, सी फुटपाथ वाले भी जिंदा है, डी चीता जिंदा है। सर कुतिया कहीं मैंने सर पढ़ा है, सुना है, लेकिन मुझे सर याद नहीं आ रहा कहीं कहां पढ़ा है मैंने। सर मैं जोड़ीदार लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। तो आ जाइए बड़े, मेरा मतलब बड़े भाई साहब जी आ जाइए। अबे मैं आ रही है। क्यों भाई साहब? अमिताभ जी इसने घर से निकलते ही बोल दिया था कि पहले ही क्वेश्चन पे जोड़ीदार लाइफलाइन लूंगा, इससे क्वेश्चन का आंसर आता हो या ना आता हो। अरे भाई साहब अब तो आ जाइए। किसी कीमत पे नहीं आऊंगा, किसी कीमत पे नहीं आऊंगा। मैं तो आधे आधे करने की सोच रही। चल छोड़ कोई बात ना, मैं फोन अ फ्रेंड कर लेता हूँ। सी और डी में से लग रहा है। पैसों के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ मैं, भैया का प्यार खरीद लाया मुझे यहाँ पे। आधे आधे का। तो सही उत्तर बताइए भाई साहब, अपने भाई की मदद कीजिए। अरे डी है तो चीता, साले अनपढ़ गवार जाहिल। चीते को इंग्लिश में क्या बोला? लॉइन बोला। अरे अरे भाई साहब, चीते को लॉइन नहीं कहते, अंग्रेजी शब्दावली में चीते को टाइगर कहते हैं। टाइगर 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 ही तो है। हाँ हाँ, टाइगर 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 जिंदा है, टाइगर बाकी दो तो मर गए वो। हाँ, कुतिया हो ही नहीं सकता। हाँ, सर डी को लॉक कर दो आप। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी चीता उर्फ टाइगर को लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार नाजिम जी, 851 रुपए बहुत मोटी रकम होती है, प्लस एक जोड़ी कपड़े भी हैं। तो आप क्या करेंगे इतने पैसों का? मैं तो जी फुलैयासी करूंगा, छिनाला करूंगा, पूरा लोंडिया घुमाऊंगा। बहुत नेक विचार हैं आपके। तो नाजिम जी अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1151 रुपए प्लस दो जोड़ी कपड़ों के साथ एक मीठे का डिब्बा। एक तरीके की मिठाई है या मिक्स है? ए साले कंप्यूटर जी को सिर पे मारूंगा ना, मुंह फूट जाएगा। एक तरीके का लड्डू है, वो भी ठर्रा। तो नाजिम जी अगला प्रश्न ये रहा। एक पूर्ण व्यस्क घोड़े की कितनी टांगे होती हैं? ए दो, बी तीन, सी चार या डी पांच। क्या लगता वसीम क्या हो सकता? मुझे बी लग रहा है ना। मुझे डी फाइव लग रहा है ना, पांच टांगे देखी थी। ए लगा दे। सर मुझे ए ही लग रहा था। बी लगा दे। सर कसम से सर बी लग रहा था। ये सी लगा। सर सी सी। अच्छा डी लगा। सर डी सी लॉक कर दो आप। सर सी सी कर दो बस। नाजिम जी अभी आप कह रहे थे कि डी पांच टांगे, फिर ये सी क्यों? मैंने अभी सर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैंने देखा उस घोड़े की पांचवी टांग जमीन से नहीं टिकी थी, हवा में थी। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी चार को लॉक कर दिया जाए। नाजिम जी आपको क्यों लगा कि पांच नहीं होती? मैंने तो पांच भी देखी है टिकती हुई। हाँ साइज अलग होता है पर और सी इज द राइट आंसर। नाजिम जी ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है, ये आपको 7,151 रुपए जिता सकता है, प्लस दो जोड़ी रेडीमेड दोनों के लिए और दो जोड़ी एक्स्ट्रा कट पीस में से जनाना मर्दाना तुम्हारी माँ बाप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला अंतिम प्रश्न। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर महान समय समाप्ति की घोषणा। अरे तेरी माँ का महान नायक जॉनी सिंस कौन है? ए एक्टर, बी डॉक्टर, सी टीचर, डी प्लम्बर। नाजी मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। रुकिए भाई साहब रुकिए, अभी ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं। कंप्यूटर जी जॉनी सिंस के लिए ऑप्शन बढ़ाए जाएं। Thank you.
नाजिम जी उठ जाइए, सभी ऑप्शन समाप्त हो गए हैं, अपना सही उत्तर दीजिए, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? अरे वसीम, अरे उठ, क्या है इसका आंसर? क्या कमलेश को फोन लगाया जाए? आ जा अमिताभ, तू ही बन ले। तो कंप्यूटर जी, इनके दोस्त कमलेश को पीओ की तरफ से वीडियो कॉल अंकित की जाए। कमलेश, आपका समय शुरू होता है अब। अरे सर, ये क्या हुआ? अबे ये पीओ की तरफ से कॉल क्यों लगाई है? जोड़ा फोन को रख लेते स्पॉन्सर, कितने 20 सिग्नल है इसके, कट हो गई कॉल। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप सही उत्तर दीजिए अब। सर मैंने देखी तो ये सारी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं सर, तो मुझे ना पता आंसर, मैं नहीं दे दिया इसका आंसर भी। वसीम, एक मिसिंग है सर इसके अंदर, एस्ट्रोनॉट वाला ऑप्शन मिसिंग है सर। ओ दूध का बिल बचिए, आप ठीक रहे, सात करोड़ एक सौ 51 रुपए, बहुत ही असली सवाल जवाब दिया, मैं बहुत ही असली सवाल दूध से जवाब दिया, 7 करोड़ 151 रुपए और एक मीठे का डिब्बा प्लस दो जोड़ी कपड़े, दो जनाना मर्दाना। मैं आपको नाजिम जी, जैसा कि डिजिटल जमाना है, मैं आपको डिजिटली सेक्सी बैंक से 7 करोड़ 151 रुपए आपकी रकम सेंड कर देता हूं, और ये की मैंने ट्रांसफर, असरदार है, तेज है, सुरक्षित है। मैं बसीन, कब आएंगे पैसे यार, इतनी देर से बैठे हैं। अबे कैसी सेक्सी बैंक है, किसी और के अकाउंट में तो ट्रांसफर ना कर दिए। सात करोड़ 151 रुपए क्रेडिट इनटू अमिताभ बच्चन। अरे तेरी बैंक की सेक्सी बैंक मालूम। वाह भाई कमाल है, लेकिन यार तू गुड यार, क्या माने कि इन लोगों का ना अब लेवल अप पर अप और अप होता ही जा रहा है। इतना क्वालिटी, इतना फनी वीडियो, वाकई में यार इन भाइयों का ना तो जवाब ही नहीं है। इनका वीडियो क्वालिटी, इनका एडिटिंग और इनका कॉमेडी और इनका डायलॉग बाजी इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि इनका वीडियो देख देख के ना बस हंसी मिल जाता है। कि आदमी ना अगर टेंशन में हो, अगर इनका वीडियो देख लेना तो हंसते हंसते ना पेट पकड़ ले अपना। टू गुड भाई, इतना काफ़ी अच्छा करते हैं ना ये लोग, इतना अच्छा करते हैं ना कि देख के बहुत अच्छा लगता है। और इनका वीडियो तो कमाल का होता है, फनी से फनी वीडियो, कमाल का वीडियो है इनका। एडिटिंग हो, ये KBC वाला तो और भी बहुत अच्छा, और भी सारे इनके बहुत सारे वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अगर ये हमको आपको मेरा वीडियो रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।